हाय गाइस, सॉरी डिले हो गया थोड़ा सा, मानता हूँ इस बात को, पर बेसिकली बहुत सारे पंगे हुए हैं इस हफ्ते में और मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल के अंदर बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, हमने प्लान किया था मेंटर्स आएंगे पर टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से वो उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो इस चक्कर में मेंटर्स का फिलहाल के टाइम पर शायद नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़, आपने बहुत सारे हमको सजेशन दिए, बहुत सारे मतलब मैं कहूँगा लिमिटलेस थे, और हमने उन सारी चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करी, उन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करी। तो मैं आपको चेंज लॉग दिखा देता हूँ पूरे लास्ट से अब तक में कितने अपडेट्स आए हैं और उसके अंदर हमने क्या क्या चेंजेस करे हैं। तो मेजरली जो आपने चीज़ें बोली थी, हमने उस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया है और उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करी है। अब एक जो कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नाम चेंज करने के ऊपर, पापा न्यूज़, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी कह रहे हैं कि भाई ये नाम अच्छा है। तो कई लोगों का कहना है कि पापा न्यूज़ चीप लगता है और कई लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई बहुत ही कैची नाम है और ये रिकॉल वैल्यू क्रिएट करता है। एक दो कमेंट्स मुझे अच्छी लगी और मैं उन्हीं के साथ जा रहा हूँ, पापा न्यूज़ अभी के लिए हम यही नाम रख रहे हैं क्योंकि बहुत कैची है। और कई लोग कहेंगे भाई पापा अच्छा नहीं लगता, भाई पापा आपके भी पापा है, सबके पापा है, तो कोई बुरा नाम नहीं है। गो डैडी देख लो, आप गूगल देख लो, ये सारे के सारे भी तो ऐसे ही थे ना। अगर आप पुराना सोचो कि जब आपको कोई बताए गो डैडी तो आप कहोगे ये कितना फनी नाम है, पर चल रहा है ना आज के टाइम पे। तो कोई मेरे हिसाब से पापा न्यूज़ के ऊपर मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमको बहुत सारे लोगों ने भी सजेस्ट किया, बड़े लोगों ने भी सजेस्ट किया, मेंटर्स वगैरह ने, मतलब वो बेसिकली हमारे साथ वीडियो में नहीं आना चाहते पर कुछ कुछ गाइड कर देते हैं, तो उनका ने हमको यही बोला है कि भाई पापा न्यूज़ कैची रहने दो नाम ये वाला। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस लाने के लिए एक सीनियर टीम मेंबर आ गया है, मनीष, और एक और लड़की हमको ज्वाइन की है कंटेंट राइटर के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि एक ही लड़का काम कर रहा है अभी के टाइम पे, तो एक और लड़की ने हमको ज्वाइन कर लिया है, तो वो भी न्यूज़ डाल रही है। इस पूरे हफ्ते के अंदर हमने तीन चार चीज़ों के ऊपर देखा कि हमारे पास गलतियां हमारी टीम से क्या क्या हो रही है। एक, हमारी ऐप पे ज़्यादा न्यूज़ नहीं आ रही थी, तो बाद में पता लगा कि भाई कंटेंट वाले तो डाल रहे हैं न्यूज़ पर हमारी ऐप के डेटाबेस के अंदर इशू था, जिसके चक्कर में ऐप के अंदर वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी। तो डेली की 50-60 न्यूज़ डल रही है तो आप सारी न्यूज़ को वेरीफाई नहीं कर सकते कि डली है नहीं डली है। तो जो कंटेंट क्रिएटर्स थे वो तो डाल रहे थे, हमारे एंड से हमने क्रॉस चेक नहीं किया। जब मैंने 4-5 दिन के बाद इकट्ठा चेक किया, मैंने कह रही तो कुछ काम ही नहीं हुआ है, तो फिर पता लगा डेटाबेस में ही दिक्कत थी हमारे एंड से। ठीक है, एक बहुत बड़ा इशू आया है, वो आया है कि भाई दो बार हमारी प्ले स्टोर पे ऐप सस्पेंड हो गई, और बात ये हुई है उसी टाइम पे सस्पेंड हुई है जब मैंने वीडियो डाली है। मैंने बिजनेस न्यूज़ के अंदर इंटीग्रेशन किया, मैंने कहा हमारी ऐप है आप जाके डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, और मैं कहूँगा कि विद इन 1 आवर हमारी ऐप सस्पेंड हो गई, और लगातार हुआ है। पहली बार क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो प्राइवेसी पॉलिसी थी वो हमने अपनी वेबसाइट के अंदर नहीं डाल रखी थी, ऑल तो डाल रखी थी पर उसका लिंक URL नहीं डाल रखा था। तो और ये एक बहुत बेसिक मिस्टेक थी जो कि हो गई। दूसरी मिस्टेक जब दोबारा हुआ है, दोबारा कोई सेंस नहीं थी, सब कुछ सही था पर फिर भी हो गया, तो हो सकता है कि मास रिपोर्टिंग के चक्कर में भी हुआ हो, मुझे नहीं पता कि किस लिए हुआ होगा, पर अब ये चीज़ रिजॉल्व है तो टेंशन नहीं है इस चीज़ की। हो सकता है फ्यूचर के अंदर फिर आए और मुझे एक्चुअल रीज़न पता लगे कि क्यों हो रहा है हमारे साथ में। बहुत सारे लोगों ने हमको सिक्योरिटी से कहा, भाई थैंक यू, बहुत सारे ऐसे लोग भी हमको देखते हैं जो कि खुद डेवलपर है, सब कुछ है, तो उन्होंने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ऐप को टेस्ट किया होगा और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, तो उनके लिए हम बैकएंड चेंज कर रहे हैं पूरा, और जो उन्होंने एडवाइस किया उस चक्कर में हम थोड़ा और सिक्योर बना रहे हैं अपने डेटाबेस को जितना बेटर हो सकता है। फेसबुक भी हैक हो जाता है पर अपने एंड से कोशिश कर रहे हैं। अभी के टाइम पे क्या है सिक्योरिटी कंसर्न, आपका कुछ नई फ़ोन का कोई डेटा नहीं निकलेगा, टेंशन ना लो। सिक्योरिटी कंसर्न ये है कि कोई भी न्यूज़ अगर हैक कर ले कोई नेक्स्ट लेवल वाला बंदा, तो वो अपने एंड से न्यूज़ पब्लिश कर सकता है। ठीक है, न्यूज़ के डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है और न्यूज़ डिलीट मार सकता है, ये वाली चीज़ें कर सकता है अभी के जो सबसे बड़ा इशू चल रहा था। पर विद इन मतलब नेक्स्ट जब हम भी मिलेंगे तो कोशिश करेंगे तब तक ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो चुकी हो। अगली एक प्रॉब्लम सबने बोली, भाई जो हमारे में वॉइस आ रही है, वॉइस थोड़ी रोबोटिक आ रही है, इसको ह्यूमन कर दो। भाई ह्यूमन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा कॉस्ट कॉन्स्ट्रेन आ जाएगा। अगर आपको 50 न्यूज़ की ऑडियो चाहिए और 5-5 मिनट की चाहिए, तो आइडिया ले लो कितने रुपए लगेगा, बहुत पैसा लगेगा, और उतना डेली पैसा मैं स्पेंड नहीं कर सकता एक MVP के ऊपर। तो मुझे तो टेस्ट करना है कि क्या लोग ऑडियो फीचर यूज़ भी कर रहे हैं, उनको पसंद भी आ रहा है या फिर नहीं आ रहा।
ठीक है। अब आते हैं थोड़े नेगेटिव कमेंट्स के ऊपर। तो ज़्यादातर लोगों का नेगेटिव कमेंट हमारे पास ये आ रहा था कि ऐप क्रैश हो रही है, ऐप बहुत हैंग मार रही है। पर बहुत सारे लोगों का ये आ रहा होगा, आप में से भी बहुत सारे लोग कह रहे हो भाई मेरे को तो एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस आ रहा है, मेरे में हैंग नहीं मार रहा। अब दिक्कत क्या आ रही है, अगर हमारी जो ऐप है वो बहुत ज़्यादा मेमोरी ले रही है, रैम बहुत ज़्यादा ले रही है। और वो क्यों ले रही है, वही मेरे स्टैक वाले डिजाइन के चक्कर में, जो मैंने सोचा है ना कि स्टैक्स चलेंगे, कार्ड एक के ऊपर एक हो गए और रोल होते हुए आगे आगे बढ़ेंगे, इस चक्कर में वो रैम ले रहा है क्योंकि उसको बैकग्राउंड में काम करना पड़ रहा है। तो उसके चक्कर में हम थोड़ा सा यूआई चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमको मेजोरिटी की तरफ देखना है, ना कि सिर्फ हमको क्लासेस को टारगेट करना है जो कि अच्छी रैम वाला फोन, अच्छा फोन लेके बैठे। मैं अभी एनालिटिक्स दिखाऊंगा आपको पूरा पूरा इन डेप्थ के अंदर, तो आपको पता लगेगा बहुत सारे ऐसे यूजर्स है जो कि एक्टिव है हमारी ऐप के ऊपर और उनके पास पुराना फोन है, उनके फोन की स्पेसिफिकेशन उतनी अच्छी नहीं है। तो मेरे लिए सब ज्यादा जरूरी है, ना कि चंद 5-10%। तो सबके लिए बेनिफिट होना चाहिए। एक चीज जो कि सबके सब कह रहे हैं कि भाई अगर हम स्वाइप अप करते हैं तो न्यूज चेंज हो जाती है, और स्वाइप डाउन करते हैं तो पुरानी वाली न्यूज नहीं आती। ये एक बहुत बड़ा इशू है स्टैक कार्ड डिजाइन के अंदर, ये पॉसिबिलिटी हमसे अभी हो नहीं पा रही है जो हम चाह रहे हैं जिसके अंदर। पर अगर हम यूआई चेंज कर रहे हैं पूरा का पूरा, तो आपको ये वाला फीचर मिल जाएगा, स्वाइप अप करने पे नई न्यूज आएगी, स्वाइप डाउन करने पे पुरानी न्यूज आएगी। अब चलते हैं सीधा डेटास की तरफ और एनालिटिक्स में आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बिहेवियर आ रहे हैं। पर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, मैंने एनालिटिक्स में देखा है बहुत सारे लोगों ने ऐप इंस्टॉल कर रखी है पर वो एक्टिवली हमारी ऐप यूज़ नहीं करते, ऐसा क्यों हो सकता है? जो लोग सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मेरे चक्कर में ऐप डाउनलोड कर ली है और मेरे चक्कर में अनइंस्टॉल नहीं करना चाहते। पर देखिए सिंपल सी बात, मैं पर्सनली ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप ऐप इंस्टॉल करके रखे हो तो उसको यूज़ क्यों नहीं कर रहे, क्या आपको अच्छा कॉन्टेंट नहीं मिल रहा? अगर कॉन्टेंट का इशू था तो हमने कॉन्टेंट रिजॉल्व कर दिया है, या फिर आपको कुछ और है? जो भी प्रॉब्लम है ना प्लीज शेयर करो यार, जितना हो सकता है उतना शेयर करो ये वाली चीज़, कि क्योंकि मैं पर्सनली चाहता हूँ, देखो ये सारी चीज़ें यूआई यूएक्स ये सब सेकेंडरी है, एमवीपी पॉइंट ऑफ व्यू पे हमको ये देखना है कि हमारा चर्न रेट ज़्यादा ना हो। चर्न रेट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागे ना हमारी ऐप से, हम चाहते हैं कि वो हमारी ऐप पे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए टिके रहे। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा डेली एक्टिव काउंट कम होता है, मतलब डेली जो यूजर्स आते हैं वो कम होता है? हाँ, जब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, जब भी मैं बिजनेस न्यूज़ में बात करता हूँ तो वो बढ़ जाता है क्योंकि लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग कहते हैं अबे देखूँ कुछ नया चेंज आया है, क्या क्या है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो लाइव होने के बाद में हो सकता है कि ये ग्राफ बढ़े, पर मेरे को ये सूखा नशा वाली ऑडियंस नहीं चाहिए ना कि भाई मेरे लिए सिर्फ कर रहे हैं। आपको खुद ऐप यूज करनी है, आप खुद शेयर कर पाओ, अपने दोस्तों को बता पाओ, आपको कोई न्यूज अच्छी लगे उसके अंदर शेयर का बटन है आप उसको शेयर कर पाओ। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट केपीआई है। अगले हफ्ते हम इस शेयर वाले केपीआई के बारे में बात करेंगे कि कितने शेयर्स आए, कितने लोगों ने कौन सी कैटेगरी ऑफ जो न्यूज है उसको शेयर किया है। अभी एनालिटिक्स पे चलते हैं और एनालिटिक्स को समझते हैं कि भाई हम क्या गलत कर रहे हैं और जो हमारे पास डेटा है उससे हम क्या डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम तीन चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले प्ले स्टोर पे देख लेते हैं कि प्ले स्टोर पे क्या है। यहाँ पे देखिए हमको दिखा रहा है 2672 एक्टिव डिवाइसेज है जिन्होंने हमारी ऐप अभी इंस्टॉल करके रखी हुई है। एक्विजिशन वाइज बात करके चले तो इतने लोगों ने हमारी ऐप इंस्टॉल करी है, तो मतलब इतने ने इंस्टॉल करी और बाकियों ने अनइंस्टॉल भी कर दी है। अगर हम अपनी एवरेज रेटिंग की बात करके चले तो भाई ये चल रही है, ठीक है। अभी हम रेटिंग को पूरा डिटेल के अंदर समझेंगे क्योंकि वो बहुत ही जरूरी चीज़ है, वो फीडबैक बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ पे अगर हम ऐप का साइज़ लेके चलते हैं तो ऐप का साइज़ हमने घटाया है, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने इसको घटाया है। तो सबसे पहले हम रिव्यूज़ की तरफ चलते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट 28 दिन का मैंने कर रखा है और यहाँ पे आपको 28 दिन का डेटा दिखाई दे जाएगा। बेसिकली हमने इस दिन को पब्लिश करी थी, और देखोगे पहले दिन पे 31 लोगों ने हमको 1 स्टार दिया है, 15 ने 5 स्टार दिया है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया हमारा डेटा थोड़ा थोड़ा चेंज होता चला गया। अगर हम 3 अगस्त की बात करके चलते हैं तो हमको 5 स्टार सबसे ज़्यादा मिले हैं, 3, 2, 1 भी मिले हैं हमको, और हमको अलग अलग कंट्री से भी स्टार्स मिले हैं। बांग्लादेश से भी किसी ने 3 स्टार दिए, पाकिस्तान से किसी ने 1 स्टार भी दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे ऐप वर्जन की, जो हमारा लेटेस्ट बिल्ड है जो हमारा 17 वर्जन है। बेसिकली हमने 17 अपडेट्स निकाल दिए है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो हमारा जो 17वां वर्जन है उसको दो बंदों ने अभी तक रेट किया है और दोनों 5 स्टार किए गए हैं। 16वां नंबर देखा जाए तो 17 लोगों ने रेट किया है, 4.5 के आसपास की एवरेज है। अगर पुराना जाते जाएंगे तो हमारी रेटिंग कम है, तो मतलब हमारी ऐप इम्प्रूव हो रही है, इसका मतलब हमारी रेटिंग इम्प्रूव हो रही है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है।
अब यहाँ पे हम एंड्रॉयड वर्जन को देख लेते हैं एक बार को। जिनके पास एंड्रॉयड 8 है उनकी एवरेज ये रहती है, एंड्रॉयड 6 है ये रहती है, 7 देखो। अब मैं एक्सप्लोर पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा कि कौन से एंड्रॉयड वर्जन के अंदर कैसी कैसी रेटिंग आ रही है। तो मेजर जो शेयर है जो रेटिंग का है वो एंड्रॉयड 10 वाले है और उन्होंने हमको इतना एवरेज रेट किया है। और यहाँ पे उनके नेटवर्क्स आ रहे हैं कि कौन से नेटवर्क्स है, और ये आ गए उनके मोबाइल डिवाइसेस, कौन से मोबाइल डिवाइसेस से उन्होंने हमको रेट किया है। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं जिन लोगों ने हमको एक एक स्टार दिया है वो कौन से फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम अपने बग सॉल्व कर सकें। कोई पिक्सल 5 यूज़ कर रहा है और उसने हमको एक स्टार दिया है। अभी हम देखेंगे कि इन्होंने एक स्टार हमको क्यों दिया है, क्या ऐप हैंग मार रही है, क्या ऐप क्रैश कर रही है, तो हमको पता लग जाएगा किस मॉडल नंबर पे क्या बग आ रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे जाता हूँ, रिव्यूज चेक करते हैं एक बार को। तो हमारे रिव्यूज़ है ये है बेसिकली, अभी जिस एरर के बारे में बात करी थी यहाँ पे वही एरर के बाद में बात करी गई है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे इनको हमारी ऐप अच्छी लगी है और ये कह रहे हैं यूनिकॉर्न बनोगे। थैंक यू यार, ऑसम, थैंक यू। ऐप आपकी अच्छी चल रही है, यूआई इंप्रूव हो सकता है एज लुक, ठीक है। मतलब बेसिकली इनको यूएक्स अच्छा लगा है, यूआई इंप्रूव हो सकता है। और रेडमी नोट 4 है अगर देखा जाए, मतलब पुराने फ़ोनों में भी सही चल रही है अगर यहाँ पे देखा जाए। इनका कहना है भाई फंक्शनैलिटी आपकी बहुत बेकार है, इनके पास मोटो जी पावर है। मतलब बेसिकली हम आइसक्रीम वाले तो है नहीं ना, हर बंदे को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अगर किसी को न्यूज़ पढ़नी है तो हम न्यूज़ दे रहे हैं और ऑडियो भी वर्जन दे रहे हैं। अगर किसी को वो फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए तो हम उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा गोली, हमारा कोर गोली वही है। दिस कैन बी इम्प्रूव्ड, ये कमेंट वैलिड नहीं होती बेसिकली। इसमें हमको पता ही नहीं लगता ना यार फ़ायदा क्या है, कुछ मिला नहीं अपने को। ये हमको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, भाई थैंक यू, आप अच्छा काम कर रहे हो, थैंक्स यार। यहाँ पे बंदा अपना कॉल टू एक्शन दे गया है। बेसिकली ये कह रहे हैं कि भाई और कैटेगरीज ऐड करो हेल्थ के अंदर, और अपनी ऐप को थोड़ा और स्मूथ बनाने की कोशिश करो, और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करो रिलेटेड टू न्यूज़ डेवलपमेंट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये J7 Prime यूज़ कर रहे हैं, तो J7 Prime में हमने बहुत ज़्यादा इशू देखा है। बहुत सारे लोगों को J7 Prime वालों को इशू आ रहा है जहाँ पे उनको लैग कर रहा है। इनको बहुत अच्छा लगा है वीवो का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा क्योंकि हमको रीसेंट के ही रिव्यूज़ देखने हैं, और रीसेंट के रिव्यू से हमको रुक पता लगेगा कि पुराने में जो दिक्कत थी वो दिक्कत थी, हमने वो रिजॉल्व कर दी है, हमको नए को देखना है। ये वही बोल रहे हैं लोड टाइम ज़्यादा लग रहा है। लोड टाइम बेसिकली क्यों ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ऑडियो लोड हो रही है। तो हमारा जब लेआउट चेंज हो जाएगा तो ये चीज़ इंप्रूव हो जाएगी। ये सिर्फ मेरे लिए 5 स्टार दिए गए, थैंक यू यार, थैंक यू। इन्होंने बोला अच्छा है लेकिन वो न्यूज़ पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा। बेसिकली न्यूज़ पढ़ने में इनको ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, इनका पॉइंट ये है। तो नया जो लेआउट होगा उसमें हम कोशिश भी यही कर रहे हैं कि हमारा थोड़ा पढ़ने में मज़ा आए। ऐप इंटरफेस एंड न्यूज़ इंटरफेस इज ऑसम बट इट टेक्स मच टाइम टू लोड, बिल्कुल। ये सेम वही बात बोल रहे हैं कि आपकी ऐप लोड होने में ज़्यादा टाइम लगा रही है, वो नेट का इशू है जो भी है। बेसिकली वो ऑडियो जो डाउनलोड हो रही है ना, बेसिकली हम एक बारी में शायद 10 ऑडियो इकट्ठी डाउनलोड कर रहे हैं, 10 न्यूज़ इकट्ठी डाउनलोड हो रही है, ताकि आपको लैग ना देखने को मिले, आपको ये ना हो हर न्यूज़ बार 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 लोड हो। तो इस चक्कर में वो जो डेटा लग रहा है वही दिक्कत आ रही है। अगली बारी में ये इम्प्रूव हो जाएगा विद इन, मतलब अगली बार जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो ये इम्प्रूव हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि हमको 1x 2x का ऑप्शन लाना चाहिए, बिल्कुल हम लेके आएंगे यार, टेंशन ना लो यार। ये बहुत हम पूरा लगे हुए हैं इस चीज़ के अंदर, हम लेके आएंगे 100%। ये कह रहे हैं ऐप इज बगी है, अभी चेक करेंगे कि हमारी ऐप कितनी बगी है। 3 तारीख की बात हो रही है, ठीक है। अभी हमारे पास, मैं आपको तीनों पैरामीटर्स दिखाऊंगा, हमको ये पता लगेगा हमारी ऐप क्या बग दिखा रही है, कहाँ कहाँ पे क्रैश कर रही है, सारा डेटा पता लगेगा अपने को। ये वही कह रहा है स्वाइप अप वाला ही आता है। अच्छा ओके, ये कह रहे हैं अगर 2 ऑडियो इकट्ठी खोलते हो तो ये बेसिकली हमने एरर रिजॉल्व कर दिया है। ये एंड्रॉयड 11 में आ रहा था और हमने इसको रिजॉल्व कर दिया है, मोस्ट प्रोबेबली ये अपडेट के अंदर आ जाएगा। लोगो अपीलिंग नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लोगो को हम कर देंगे, टेंशन ना लो। और रिकॉर्डिंग ऐप की तरह लग रहा है, बिल्कुल सही बोला है इन्होंने, रिकॉर्डिंग ऐप की तरह ही लग रहा है। मैं चाह वही रहा था पहले, पर सबके सब बोल रहे हैं तो लोगो चेंज करेंगे, नाम यही रखेंगे। प्रीवियस पे जाने का ऑप्शन हो बेसिकली, अगर आप चाहो ना अभी के टाइम पे तो जहाँ नीचे प्ले का बटन है ना उसके बैक बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो पीछे जा सकते हो अपनी उसके ऊपर। पर ये यूएक्स पॉइंट ऑफ व्यू से गलत चीज़ है, ये मेरे को आपको बताना नहीं चाहिए, ये आइडियली होना चाहिए, तो ये इम्प्रूव हो जाएगा, टेंशन ना लो। ये कह रहे हैं Realme 2 Pro के अंदर बहुत ज़्यादा हैंग मार रहा है और ऐप अपडेट नहीं हो रही। न्यूज़ अपडेट हो गई है, न्यूज़ अपडेट्स हो रही है, पर हैंग मारने वाला इशू हो जाएगा रिजॉल्व। और ये जैसे यहाँ पे देखो आपको दिखाई देता है एंड्रॉयड वर्जन क्या है, 0.0.5, इनके पास 0.0.6 है, तो लॉजिकली इनके पास पुराना वर्जन पड़ा है, इन्होंने अपना एंड्रॉयड वर्जन ही अपडेट नहीं किया है। देखो ना इन्होंने जो किया है उसके बाद ये वाली कमेंट आई है, अगर टाइम भी देखो आप तो।
इन्होंने अपडेट नहीं किया, पहले रिव्यू कर दिया। तो यार सबसे पहले एक बार जरूर चेक करो कि आपका अपडेट आया हुआ है नहीं आया हुआ। कितना बेकार यूआई है, थर्ड ईयर के स्टूडेंट या बैकएंड डेवलपर से बनवाया है क्या? डैट्स रियली डोंट माइंड गुड टेक्नोलॉजी ऐप न्यूज एज और पता नहीं। ठीक है, ये पिक्सल 5 वाला यूज़र जो था, इसका कहना है कि भाई यूआई बहुत बेकार है। ठीक है, आप यूआई इम्प्रूव कर देंगे, ये मैंने मान ली है अपनी बात। बेसिकली हम इम्प्रूव कर रहे हैं इसलिए है क्योंकि मैं अभी भी चाहता था वो स्टैक डिज़ाइन रखा जाए। अभी कोई भी नई चीज़ आती है तो लोगों को समझ में नहीं आती है, इशू ये है। पर मैं चाहता था कि वो स्टैक डिज़ाइन ही रखा जाए, पर कोई ऑप्शन नहीं रह गया है अब स्टैक डिज़ाइन यूज़ करने का, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन यूज़र्स को दिक्कत आएगी। पर इसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, क्योंकि पिक्सल 5 है, पिक्सल 5 में हैंग वैंग का कोई भी इशू नहीं आ रहा है, उसमें प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अब आपको आइडिया मिलने लग गया होगा कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ऐप इज क्रैश आफ्टर अपडेट, ब्लैंक आफ्टर ओपनिंग। बेसिकली ये जो एंड्रॉयड वर्जन है इसका ऐप वर्जन नहीं आ रहा, चांसेस ये है कि इन्होंने अपना फ़ोन रूट कर रखा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्रैश एनालिटिक्स की तरफ। तो यहाँ पे हमको बताएगा कितनी बार क्रैश हुआ, कितने लोगों को दिक्कत आई है। तो अगर आप देखोगे हमारे क्रैश फ्री यूज़र्स बढ़ गए हैं, अगर मैं 6 अगस्त की बात करके चलता हूँ तो हमारे क्रैशेस देखो कम होए जा रहे हैं, हमने इम्प्रूव किया है। अगर मैं आपको इसको 30 डेज कर देता हूँ तो आपको दिखेगा कि हमने क्रैशेस को कहाँ से कहाँ लेके आए हैं। सबसे पहले दिन हमारे इतने क्रैशेस आए थे, देखो हमने क्रैशेस को डाउन किया है। अब ये क्रैशेस कम होते जा रहे हैं और धीरे धीरे और इम्प्रूव हो गए। अब ये क्रैशेस मेजर जो क्रैशेस आ रहे हैं वो बहुत बड़ा रीज़न है, एक तो लोगों ने पुराना वर्जन डाल रखा है। ठीक है, ये पुराने वर्जन है 7 पॉइंट वाले जो है ना, ये पुराने वर्जन है, नए वर्जन 0.0.0 शुरू होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार फिल्टर लगा लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगा लेता हूँ। ये देखो ये हमारे जो वर्जन्स है ना, ये इस तरीके से हमारे वर्जन्स हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो कि सिर्फ 2 ही क्रैश हुए हैं और इतने यूज़र्स को ही दिक्कत आई है। और हमको पता लग जाता है किस लाइन के अंदर दिक्कत है कोड के अंदर। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है क्रैश एनालिटिक्स की, अगर आप ऐप बनाते हो तो क्रैश एनालिटिक्स लगाओ, आपका पूरा डेटा आएगा कि कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पर आ रहा है, कौन सी लाइन में दिक्कत आ रही है। तो आसानी होती है समझने के लिए कि भाई हमने इशू किया तो किया गया है। ठीक है, तो हम देखो आप क्लोज टू 100% की तरफ जाना शुरू कर रहे हैं। 100% क्रैश फ्री आप नहीं पहुंच पाते, ये एक ड्रीम होता है, पर पहुंच सकते हैं, हम कोशिश करेंगे वहां तक जाने की। अब आ गया हूं मैं गूगल एनालिटिक्स के अंदर, और ये बहुत ही चिंता वाली बात है जो डेटा अब मैं आपको बताने वाला हूं। देखो हमारे जो यूज़र्स है, अगर मैं बात करके चलूँ वही 30 डेज़ की, बेसिकली यहीं से हमारा जो शुरू हुआ है मेजरली, इससे पहले तो इंटरनल बीटा टेस्टिंग चल रही थी। तो यहाँ तक तो यूज़र्स अच्छे थे क्योंकि इस टाइम पे मैं वीडियो डाल रहा था, प्रमोट कर रहा था, फिर मैंने प्रमोट नहीं किया तो दबा, जब मैंने प्रमोट किया बिजनेस यूज़ में फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर ये घटा। तो लॉजिकली अगर देखा जाए हमारी एक्टिव ऑडियंस 200-250 के आसपास की रह रही है, मुझे ये डेटा ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे हमको दिखा रहा है कि बहुत सारे लोगों ने अभी भी ऐप उनके फ़ोन में है, पर ऐप फ़ोन में है फिर भी इतना कम डेटा क्यों है? क्या हम उनकी कोई नीड सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे? क्या इशू आ रहा है? प्लीज़ कमेंट में बताओ यार मुझे, ये मेरे लिए बहुत चिंता वाली बात है, मेरे लिए पर्सनली चिंता वाली बात है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ बढ़िया चीज़ें काम की। यहाँ पे एंगेजमेंट पे मैंने क्लिक किया, एंगेजमेंट ओवरव्यू पे गया मैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम चीज़ हो रही है। अगर आप देखते हो एवरेज टाइम क्या था स्टार्टिंग के अंदर, टेस्टिंग चल रही थी तो लॉजिकली हम ज़्यादा ही टाइम बताएंगे, पर अभी के टाइम पे देखा जाए एक एवरेज बंदा 2.5 से 3 मिनट के आसपास बिताता है ऐप के अंदर। करेंटली देखा जाए तो 6 बंदे एक्टिव है हमारी ऐप के अंदर, कुछ बिजनेस देख रहे हैं, कुछ इंटरनेशनल देख रहे हैं, कुछ स्पोर्ट्स देख रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजी देख रहे हैं। ठीक है, अब इसी पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अगर देखा जाए तो इतने व्यूज़ आए हैं, इतने व्यूज़ मतलब इतनी बार स्क्रीन कोई ना कोई खुली है। अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये सीन है क्या, हुआ क्या है। तो इसको मैं यहाँ से रो को लंबा कर रहा हूँ ताकि हम डेटा को समझ पाए, 25 कर देता हूँ। तो बेसिकली हमारी सारी की सारी स्क्रीन्स है जो हमको पता लगेगा कि भाई हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, इतने बार स्क्रीन देखी गई है। ठीक है, पहली बार ओपन इतने लोगों ने किया है, इतने लोगों ने ऐप रिमूव भी कर दी है, इतने लोगों ने अपडेट किया है। ये CTA जो है ना और शेयर है, ये हमने अपने इंटरनल टेस्टिंग के लिए लगाया है कि कितने लोग सेव कर रहे हैं, कितने लोग शेयर कर रहे हैं और कितने लोग CTA कर रहे हैं। अभी हमने रीसेंट अपडेट के अंदर ही ये वाला एनालिटिक्स निकाला है कि ताकि हम इन चीज़ों को भी ट्रैक कर पाए कि कितने लोग शेयर कर रहे हैं, कितने सेव कर रहे हैं। तभी मैंने आपको बोला अगले हफ्ते के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये KPI क्या है। तो आइडियली हम चाहते हैं ना कि लोग शेयर करें हमारी न्यूज़ को,
क्योंकि उनको वैल्यू दिख रहा है, अगर वैल्यू दिखेगा तभी तो शेयर करेंगे। सीटीए मतलब वो कार्ड के ऊपर क्लिक करके अंदर जा रहे हैं, सेव मतलब उस न्यूज़ को सेव कर रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हमारा एक बहुत बड़ा ग्रोथ हैक हो सकता है अगर लोग शेयर करें तो। तो मैं वापसी जा रहा हूँ अपने उसके ऊपर। अब मैं जा रहा हूँ पेज टाइटल के ऊपर, यहाँ पे अगेन मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे 50 कर दिया। तो यहाँ पे देखो इतने व्यूज है, इतने यूजर्स हैं जो अभी अपने डाउनलोड्स देखा था, ठीक है, और व्यू पर यूजर, एक यूजर कितना टाइम बिता रहा है, मतलब कितनी बार चीजों को स्क्रीन को देख रहा है ऑन एवरेज, और कितना टाइम बिता रहा है, क्लोज टू 5 मिनट्स वो हमारी ऐप के ऊपर बिता रहा है एवरेज जब भी वो खोल रहा है। तो मैं इसको एक बार चेंज करके लास्ट 7 डेज कर देता हूँ ताकि हम थोड़ा सा डेटा रीसेंट वाला देख पाए। तो हमारा टाइम घटा है, व्यूज भी उसी के आसपास रह रहे हैं, बाकी सब नॉर्मल है। तो अब देखो ये हमारे सारे पेजेस हैं जो जो हमारी ऐप के अंदर है जो हम ट्रैक कर रहे हैं। मैं आपको बहुत कुछ दिखा रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको अपनी ऐप के लिए भी जब कल को आप करोगे। और अगली बार मैं पूरा इन डेप्थ नहीं दिखाऊंगा, सीधा मैं आपको बताया करूंगा यार देखो ये दिक्कत की बातें आ गई, ये इशू हो गया, ये इशू हो गया, ये इशू हो गया। तो देखो डैशबोर्ड पे लोग इतने आए हैं, ठीक है, इतने लोग लॉगिन स्क्रीन के ऊपर आए थे और इतने लोग रिकमेंडेड तक पहुंचे हैं। तो अगर आपने ऐप को यूज किया है तो आपको पता होगा अगर आप रिकमेंडेड पे आना चाहते हो तो आपको लॉगिन करना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉगिन करने के बाद ही हम आपसे पूछते हैं आपको कौन सी टाइप की न्यूज़ चाहिए और उसके बाद रिकमेंडेड फीड दिखाते हैं। तो लॉजिकली इतने लोग तो बिना लॉगिन करे ही स्किप करके हमारी ऐप के अंदर आ रहे हैं। फिर अगर यहाँ पे देखो टेक्नोलॉजी के ऊपर, टेक्नोलॉजी का नंबर बड़ा क्यों है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सबसे पहली कैटेगरी है। तो अगर कोई भी स्किप करता है, स्किप करने के बाद वो सीधा टेक्नोलॉजी पे आता है, और रिकमेंडेड के बाद भी स्वाइप करता है तो भी वो टेक्नोलॉजी पे आता है। अब यहाँ पे टाइम देख लेते हैं एक बार को, रिकमेंडेड के ऊपर 1 मिनट 20 सेकंड के आसपास है, टेक्नोलॉजी पे कम है, बाकी सब पे कम है। अभी हमने देखा था ना बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार आप ये कैटेगरी भी ऐड कर दो, ये कैटेगरी भी ऐड कर दो। हमको यहाँ से डेटा पता लगेगा कि कौन सी कैटेगरी लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, कौन सी कर रहे हैं। तो अगर हमको ये डेटा पता लग जाएगा ना तो इसी डेटा के ऊपर हमारा डिसीजन होने वाला है फ्यूचर के अंदर कि हमको और कैटेगरीज ऐड करनी है या फिर नहीं करनी है, क्योंकि सब कुछ कॉस्ट है। और क्या हमको कोई कैटेगरी मिटानी है फिर नहीं मिटानी, अगर आप देखोगे हमारी स्टार्टअप वाली कैटेगरी रिलेटिवली नीचे आ रही है, एंटरटेनमेंट और नीचे आ रही है, स्पोर्ट्स और नीचे आ रही है, इंटरनेशनल और नीचे आ रही है, मिसलेनियस तो एकदम सबसे नीचे आ रही है अगर हम कैटेगरी कैटेगरी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करके चले तो। तो यहाँ से अपने को आइडिया मिल जाता है कि हमारे क्या डेटा चल रहा है, क्या डेटा नहीं चल रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ तो पता लग गई कि लोग लॉगिन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग लॉगिन भी कर रहे हैं क्योंकि तभी वो रिकमेंडेड पे आ रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर देखिए व्यूज़ की, तो व्यूज़ का नंबर भी ठीक ठाक है, 4-5 की एवरेज आ रही है एक बंदे की एक बारी की। टोटल इवेंट काउंट्स भी देखे तो वो भी ज़्यादा है, वो भी ठीक ठाक है अभी के लिए, इस टाइम के लिए। पर जो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत वाला इशू लग रहा है ना, जो सबसे बड़ा दिक्कत है वो वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा डेली एक्टिव यूजर्स का काउंट कम हो रहा है। तो अगर आप यहाँ देखते हो मंथली एक्टिव यूजर्स तो बढ़ रहे हैं हमारे, 7 डेज भी ठीक है, पर हमारा डेली का काउंट घट रहा है, जो मैं नहीं चाहता हूँ। हमारे को डेली का काउंट बढ़ाना है, डेली का काउंट हमारा बढ़ता रहना चाहिए, चाहे ये नंबर हमारा यही रहे। लॉजिकली जितने लोगों ने ऐप इंस्टॉल करी है उसमें से 50-60% लोग हमारी ऐप यूज़ करें। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, शायद नहीं आ रहा, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो ऊपर वाला दिख रहा है 30 डे, मतलब लॉजिकली हमको 15-16 दिन ही हुए ऐप को चलाए हुए, तो 15-16 दिन के अंदर हमारे पास इतने लोग आ चुके हैं जो हमारी ऐप पे आ चुके हैं, ठीक है। पिछले 7 दिन के अंदर वो लोग इतने थे, ठीक है, इसका मतलब इतने लोग थे, बाकी लोग चले गए बीच वाले। पर अगर हम डेली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले तो वो ग्राफ कम है। तो हमको क्या चाहिए, अगर किसी ने, मतलब मान के चलते हैं 5,000 लोगों ने हमारी ऐप को इंस्टॉल किया है, तो हमारा डेली काउंट भी ऊपर रहे, मतलब एटलीस्ट 2,500-3,000 तो रहे। तो प्लीज़ यार इस चीज़ में हमारी थोड़ा सपोर्ट करो, अगर आपने ऐप इंस्टॉल करा है तो प्लीज़ यूज़ करो। और अगर यूज़ इसलिए मत करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ, यूज़ इसलिए करो क्योंकि शायद आपको ज़रूरत है उस चीज़ की, इसलिए करो। और अगर नहीं है ज़रूरत तो मुझे बताओ कि क्या इशू है, हम उसको रिजॉल्व करेंगे ना। देखो यूज़र रिटेंशन हमारा ग्राफ कितना गंदे तरीके से घटा है, तो अभी चलो ठीक है तो यहाँ तो आया नहीं हमारा, पर यूज़र ग्राफ रिटेंशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से घटा है और ये नहीं घटना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे हमारे जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स है, अगर हम डिवाइसेस बात करके चलते हैं, तो जो भी मैं बात कर रहा था आपसे कि जिसके चक्कर में मेरे को हर एक के लिए काम करना है, ना कि मुझे सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम करना है जिनके पास प्रो फ़ोन है। ये नंबर को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, 50 के आसपास। सबसे पहले तो रेडमी के है, ठीक है, ये शायद सैमसंग का फ़ोन होगा, फिर पोको है, नेक्सस है,
तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे अभी भी हमको बहुत बड़े फ्लैगशिप फोन्स नहीं दिखाई दे रहे, नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं फोन, फोन है पर हमको ऑल दो मॉडल नंबर चेक करना पड़ेगा कि कौन से है। पर अगर आप देखोगे पर हमको जो मेजॉरिटी ऑफ लोग देख रहे हैं वो ऐसे है। पर अगर मैं मान के चलते हैं मैं देखना चाहता हूँ कि बेस्ट बाय एंगेजमेंट, तो बेस्ट बाय एंगेजमेंट आ गया, ये कोई 3.1 फोन है, इसका सबसे अच्छा है, ये वाला मॉडल है, इसका एंगेजमेंट सबसे अच्छा है। और यहाँ पे देखो ये वाला फ़ोन तो 13 मिनट के आसपास बिता रहा है हमारे साथ, एवरेज एंगेजमेंट टाइम को एक बार चेक करके देखते हैं। यहाँ देखो ये जो भी मॉडल है ये 2 यूजर्स है इसके और इतना एवरेज टाइम बिता रहे हैं, वाओ यार, जो भी है थैंक यू यार। ये जो भी मॉडल है एक डिवाइस है इतना टाइम बिता रहा है यार, ये नंबर सही है ना, हमको एवरेज टाइम ये होना चाहिए। रेवेन्यू आपको खाली इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने कोई भी ऐड नहीं चला रखी, इसलिए हो रहा है। अब आते हैं थोड़ा सा डेमोग्राफिक ओवरव्यू के ऊपर कि कहाँ कहाँ से हमको देखा जा रहा है। आइडियली मैं चाहता हूँ इंडिया से देखें क्योंकि इंडिया के लिए हम अभी करंटली न्यूज़ डाल रहे हैं और इंडिया के ऊपर ही ध्यान देना चाह रहे हैं। और अगर हम स्टेट्स की बात करके चलते हैं तो अब यहाँ पे देखो सिटीज़ का आपको डेटा निकलता है, तो दिल्ली से मेजर आ रहा है, फिर अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, लखनऊ, ये जो नॉट सेट है इन्होंने अपनी लोकेशन शायद ऑफ कर रखी होगी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे हम जो लोकल न्यूज़ फ्यूचर में लाने वाले हैं हमको पता लगेगा अब दिल्ली की ऑडियंस ज़्यादा है और मान के चलते हैं वो न्यूज़ में हमको ज़्यादा सबमिट कर रही है तो हमको पता लग जाएगा दिल्ली के अंदर सबसे पहले हम रोल आउट करेंगे लोकल न्यूज़ का फीचर। यहाँ पे आप देखो मेजॉरिटी ऑफ यूज़र मोबाइल पर ही है और पर कुछ टैबलेट पर भी है, अभी अब एंड्रॉयड ओनली है फिर भी टैबलेट पर है, मतलब 5 लोग टैबलेट पे है। तो चलिए सबसे पहले थैंक यू फॉर वॉचिंग, उम्मीद करता हूँ आपको सीखने को भी मिला होगा और आप मेरी हेल्प भी करोगे, आपसे जो क्वेश्चन पूछे हैं आप उनका जवाब भी दोगे मुझे नीचे कमेंट के अंदर। और जिस तरीके से सब सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग मेल करते हैं, कुछ लोग हमारी टीम को कॉल करते हैं, सभी को थैंक यू यार, दिल से थैंक यू। और इसके साथ ये वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ मज़ा आएगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ आखिर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू।